गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड द सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल स्टडीड इन अ पी प्लांट। सो स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट ही क्यों चूज किया, बाकी और कोई प्लांट क्यों चूज नहीं किया उसने। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दे ग्रो क्विकली, इट मींस ये बाकी प्लांट्स के मुताबिक जल्दी ग्रो करता है और जल्दी बड़ा होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सेकेंड इज दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला ही क्यों लिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकें। द थर्ड इज़ दे आर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड एंड प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग इन वन क्रॉस, इट मीन्स इसमें दोनों ही परफॉर्म होते हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जो एक ही फ्लावर में होता है। देन क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टैमेन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। द फोर्थ इज मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, पी प्लांट में अलग अलग तरह के ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ इज दे हैव ईजीली ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ईजीली ऑब्जर्व, ईजीली पढ़ी जा सकती हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। सो द फर्स्ट इज सीड शेप, डोमिनेंट ट्रेट राउंड एंड द रिसेसिव ट्रेट रिंकल्ड। अब इसमें डोमिनेंट का मतलब क्या होता है और रिसेसिव का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है जो सिंगल एलील होने पर भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, और रिसेसिव ट्रेट का मतलब होता है जो होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो मेंडल ने शीट शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर लिया था राउंड और रिसेसिव कैरेक्टर लिया था रिंकल्ड यानी कि सिकड़ा हुआ। तो इसमें सेकेंड आता है हमारा शीट कलर, तो इसमें डोमिनेंट लिया था येलो कलर और रिसेसिव था ग्रीन कलर। तो अब यहाँ नेक्स्ट आता है हमारा फ्लावर कलर, तो फ्लावर का क्या कलर लिया था, डोमिनेंट में वॉयलेट लिया था और रिसेसिव में वाइट कलर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉड शेप यानी कि पी की बॉडी, तो फुल ली थी डोमिनेंट में और रिसेसिव में कंस्ट्रिक्टेड यानी कि सिकुड़ी हुई बॉडी ली थी। फिफ्थ आता है हमारा पॉड कलर यानी कि पी की बॉडी का क्या कलर, डोमिनेंट में ग्रीन लिया था और रिसेसिव में येलो ली थी। द सिक्स्थ इज फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या थी, डोमिनेंट में एक्सियल थी और रिसेसिव में टर्मिनल थी। एक्सियल मतलब कहीं भी हो सकती है इधर उधर, टर्मिनल यानी कि एकदम टॉप पर। सेवेंथ एंड द लास्ट कैरेक्टर स्टेम हाइट, डोमिनेंट में टॉल लिया था और रिसेसिव में ड्वार्फ यानी कि छोटा लिया था। सो दीज आर द सेवन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। ये सात कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने पढ़े थे। सो थैंक यू, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई एक्सप्लेनेशन।